किसानों को कम दाम पर रोग रहित पौधे उपलब्ध कराने के लिए उद्यान विभाग की ओर से मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण कराया जाएगा। इससे किसानों को इजरायली तकनीक से तैयार पौधे बेहद कम दामों पर आसानी से मिल सकेंगे। मिर्जापुर जिले में तीसरे सेंटर के निर्माण के लिए स्वीकृति मिल गई है, जल्द ही इस पर काम शुरू कराया जाएगा। मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बन जाने के बाद लालगंज तहसील के किसानों को फायदा मिलेगा। किसानों को सब्जी व फल के रोग रहित पौधे उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग की ओर से दो मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं। विसिंदरपुर में बने सेंटर से सदर तहसील के किसानों को लाभ मिलता है, वहीं पटेहरा में बने सेंटर से मढ़ियान और चुनार के किसानों को आसानी से पौधे मिल जाते हैं। लालगंज के किसानों को पौधे उपलब्ध कराने के लिए पूरा प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा गया था। शासन से मंजूरी मिलने के बाद सेंटर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला उद्यान अधिकारी मेवाराम ने बताया कि मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के स्थापित हो जाने के बाद किसानों को आसानी से बीज उपलब्ध कराने पर ₹1, वहीं बीज उपलब्ध न कराने पर ₹2 में पौधे मिलेंगे। जिला अधिकारी के निर्देश पर प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा गया था, शासन से मंजूरी मिल चुकी है। देखिए, जो हमारे विभाग की पौधशालाएं जो एक तो बिसिंदरपुर में है, दूसरी हमारी पटेहरा कला में है, इनसे हम इधर इधर के ब्लॉकों में चुनार और मढ़ियान तहसील को तो हम कवर कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी तहसील लालगंज है वो वहाँ पे हमारा उद्यान विभाग कोई भी प्रक्षेत्र या नर्सरी न होने के कारण किसानों को उतना हम लाभान्वित नहीं कर पाते हैं। इसको देखते हुए जिलाधिकारी महोदय के निर्देश क्रम में वहाँ पर हम लगभग 1,25,00,000 के लागत से मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण कराया जाएगा, जिससे वहाँ पर पौधे सब्जी के पौधे भी उत्पादन किए जाएंगे और फल के भी पौधे उत्पादित किए जाएंगे, जो वहाँ के किसानों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगी। देखिए, ये जो अगर कृषक भाई अपना बीज देंगे तो ₹1 पर पौधा दिया जाएगा, अगर विभाग के द्वारा बीज खरीदा जाएगा और पौधे तैयार किए जाएंगे तो ₹2 प्रति पौधे के हिसाब से किसानों में वितरित किया जाएगा। हमारे यहाँ देखिए मुख्यतः टमाटर है, मिर्च है, गोभी है, फूल गोभी है, बैंगन है और ब्रोकली है, और यहाँ पे जो शिमला मिर्च भी कलर्ड शिमला मिर्च होती है, और जो जिसकी बाहर से लोग मंगाते हैं पौधे वो भी हमारे यहाँ तैयार होगा।